मैं एक सरपंच पंचायत हल्का टाबू, और मेरे साथ है वार्ड मेंबर बलवान सिंह। हमें अफसोस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ती है जम्मू में 25/8/2020 एक्स सरपंच पंचायत हल्का टाबूर तहसील मुगल मैदान डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। हमारे साथ जो है 1800 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है टाबूर टू भासदेवना रोड है, उसमें जो है डीपीआर जो बनी है, जो एक्शन साहब ने डीपीआर बनाई है एक्शन छात्रों ने, उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है। जो उस वक्त डीपीआर में जो है एक्शन साहब ने मैप निकाला है और उसमें साइन किए हैं, वो जो जिग दिया है वो दिया है कांगना टू गंगना के बीच में जिग लगाया है इन्होंने, ताकि भाजदेवना कांगना गुंदरना लोगरना हिया लोगों को इस रोड से फायदा हो जाए। तो वो जो जिग जो है ना कांगना ना गंगना के बीच में जिग लग रहा है, और वो जिग लग रहा है जो है एक जंगल में जिंग लग रहा है जहाँ पॉपुलेशन नहीं है, और जिससे जो हमारी ग्रेवयार्ड है शिशु समाधि है जहाँ बच्चे दफनाते हैं। हमने बार बार अपील की, डीपीआर बनी है 15/9/2018 को, हमने उससे पहले रेजोल्यूशन बनाया, उसमें कमेटी बनी, अरुण तहसीलदार कमेटी था, बीडू मुगल मैदान कमेटी में था एक्शन साहब जो आज भी है और उस टाइम भी था, एक्शन छात्रों जो कमेटी में थे उस टाइम जो है डीपीआर जो बनी और रोड की जो सर्विस हुई उस पे जो थे 500 पॉपुलेशन लोग जो थे वो एग्री थे उस पे, वो एक बरादरी कंप्रोमाइज हुआ था। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब मैंने आरटीआई दी और आरटीआई में जो हमने रिकॉर्ड निकाला उसके खिलाफ जो है उस अलाइनमेंट के खिलाफ रोड जो है काम चल रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है हमें कि हमने कोर्ट में भी अपील की और नासिर वकील को किया हमें, और कोर्ट में भी केस चल रहा है। हम बार बार ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे जो ग्रेवयार्ड्स है शिशु समाधि है उनको बचा के आप रोड ऊपर से भी ले सकते हो, रोड आप नीचे से भी ले सकते हो, जाती कोई दुश्मनी नहीं है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे सरपंच साहब जो है आज इलेक्टिव जो है पंचायती राज जो है वो उसने क्या किया कि अपने घर के लिए रोड ले रहे हैं, उससे क्या है सिर्फ इस रोड का जो है 18 करोड़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है सिर्फ गंगना वालों को फ़ायदा है। मुझे अफसोस के साथ जम्मू आना पड़ा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी कि हमारे साथ जाती हो रही है। जब मैंने आरटीआई दिया आरटीआई में मैंने रिकॉर्ड निकाला और 93 पेजेस जो है मैंने रिकॉर्ड निकाला है उसके हिसाब से रोड नहीं जा रहा है। मैं डिप्टी कमिश्नर से अपील करना चाहता हूँ इस पे जो है गौर फरमाया जाए, और एसडीएम छात्रों ने खुद इंक्वायरी की है और ये एसडीएम छात्रों ने ये पाया गया है कि वहाँ जो है शिशु समाधि है, बच्चे जहाँ दफनाते हैं उसके बीच में उसमें रोड नहीं जाना चाहिए। हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, हम डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं, रोड आप बनाएं या ऊपर से बनाएं या नीचे से बनाएं, जहाँ हमारे बच्चे दफनाते हैं जहाँ हमारे बुजुर्गों ने 60 साल से बच्चे दफनाते हैं उसमें रोड नहीं जाना चाहिए। उसमें हमारे मेंबर कामना के हमारे साथ है, उसने रिपोर्ट दी है, चौकीदार ने रिपोर्ट दी है, हल्का चौकीदार ने, हल्का लमरदार ने रिपोर्ट दी है कि हाँ जी अलाइनमेंट में शिशु समाधि आ रही है। अगर वहाँ से रोड गया तो हम रोड पर आ जाएंगे, हमारी माताएं और जिन्होंने बच्चे दफनाए हैं हम वो रोड बनने नहीं देंगे। हमने जज से भी अपील की है, हमारा केस कोर्ट में जज साहब के पास किश्तवाड़ में है, हमने यही अपील की है जज साहब को कि रोड रुकाने में हम नहीं हैं, रोड आप बनाओ, मगर रोड बनाओ आप गुंदरना को देख के, थाना को देख के, हिया को देख के, भाजदेवना को देख के, गंगना को देख के, घुलना को देख के सेंट्रल पैलेस में ले जाओ और शिशु समाधि को भी बचाओ। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ एक्शन छात्रों जो है वो जो डीपीआर बनाई है और जिसमें स्टैंप है कि गंगना और कांगना के बीच में मोड़ लगना चाहिए, फिर एक्शन छात्रों आज क्यों मुकर रहा है कि वहाँ रोड ने लगना मोड़ ने लगना चाहिए, मोड़ जो है उसने एक जंगल में दिया है।
मैं चाहता हूं कि मीडिया वालों से अपील करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें भाई जब तक विजिलेंस होना चाहिए, इसमें क्राइम ब्रांच आनी चाहिए, क्योंकि 18 करोड़ का मसला है। और ये जो है DPR जो है, जो DPR सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी गई है, जिस कागजों के तहत भेजी गई है उस कागजों के तहत काम लगना चाहिए। नहीं तो इसमें जो है भरपूर अपील है, मैं एक सरपंच पंचायत हल्का टाउबूद है और मेम्बर कुशलिया देवी है, उसने रिपोर्ट दी है कि हमने यहाँ बच्चे दफनाए हैं और हमने एफिडेविट दिए हैं मजिस्ट्रेट से, हमने 15-20 एफिडेविट दिए हैं SDM छात्रों को कि हम यहाँ पे 20-60 साल से हमारे बुजुर्ग जो है यहाँ पे हम बच्चे दफना रहे हैं। आज रोड रुका हुआ है, मगर मुझे पता चला है कि SDM DC साहब जो है मौके पे जाएंगे आने वाले वक्त में, 10 या 20 दिन में DC साहब वहाँ पे आ रहे हैं। हमारी भरपूर अपील है DC साहब से कि अगर उनको डाउट है, हमारी तरफ से परमिशन है, हमने एफिडेविट दिए हैं, वो सुशु समाधि के कब्रों को भी खोल के देख सकते हैं और वहाँ से अलाइनमेंट चेंज करें और 500 मीटर का जिक दे के और कांडा के ऊपर से भाजदेवना रोड ले जाए। और मीडिया का मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आज मुझे उन्होंने मौका दिया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जम्मू में, मैं बहुत 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 मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि तागूत कांडा की और हिया की आवाज़ मीडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाए और एडवाइज़र तक पहुँचाए, मेम्बर साहब की और हमारी आवाज़ जो है, और हमारे साथ जो है जो 10-20 लोग कोरोना वायरस के इस दौर में भी जो है जम्मू पहुँचे, इसे हम एडवाइज़र साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। और हमारे पास कागज़ है, DPR है, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे मेम्बर जो है कौशल्या देवी के घरवाले जो हैं वो भी दो बातें इसमें रोड के मुतालिक करें कि क्या हमारे साथ जाती हो रही है इलाके के साथ कि नहीं। मेरा नाम बलवान सिंह ठाकुर है, मैं पंचायत टागू वार्ड नंबर 5 से हूँ। मेरे वार्ड में एक रोड सेंक्शन हुआ था, जो रोड तागू टू वासदेवना जाना था, और उस रोड के एक जो सर्वे की थी डिपार्टमेंट ने, तो बीच में एक सुशु समाधि आ रही थी, तो सुशु समाधि जो आ रही थी वार्ड नंबर 5 की आ रही थी, और सुशु समाधि को बचाने के लिए हमने रिक्वेस्ट करी थी सरपंच साहब से और डिपार्टमेंट से करी थी कि ये हमारे बच्चों का घर है, जो हर बंदे का घर होता है मरने के बाद, तो इसको बचाओ, इसमें दखल अंदाजी मत करो, इसको बचाओ। आज अगर वार्ड नंबर 5 के बच्चे यहाँ पे दफनाए जाते हैं, कल को 6 नंबर या 8 नंबर या 5 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर कहीं भी ऐसा होता है, तो वहाँ के लोग भी ऐसा करेंगे कि अपने सुशी समाधि को बचाएंगे। तो हमने भी देखा कि वहाँ पे गलत हो रहा है कि हमारे वार्ड के बच्चों की समाधि को उखाड़ा जा रहा है और जानबूझ के अपने प्रॉफिट के लिए रोल लिया जा रहा है। तो हमने मजबूरन साइन करना पड़ा कि भाई हाँ, यहाँ पे वाकई सुशु समाधि है। तो उसके बाद एक्स सरपंच साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पुराने कामों को बचाकर नए काम करना, मतलब जैसे कि सरपंच साहब ने अपने DPR रिपोर्ट से नक्शा निकाला है या जो भी प्रूफ निकाले हैं, उसमें क्लियर जिक्र है कि सुशी समाधि को बचा के पहले ही जिक्र ले लो और वासदेवना तक कोई मोड़ नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो आज की जो पंचायत है हमारे टागुर में, वो क्या कर रहे हैं कि सुशु समाधि में से रोड लेके गंगना से होते हुए एक जंगल से वापस रोड को ला रहे हैं, वो सरासर गलत है। तो ये मतलब कि अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं कि हमारे गांव को प्रॉफिट हो, तो गांव की प्रॉफिट के लिए कोई काम करना उसको काम नहीं बोलते हैं। काम वो करो जो हर पंचायत के हर गांव को प्रॉफिट हो। मैं चाहता हूं कि जो भी काम करो प्रॉफिट के लिए नहीं करो,
जिसमें हर गांव का फ़ायदा हो, जिसमें किसी का नुकसान ना हो, वो वाला काम करो। तो सरपंच सरपंच साहब का कहना था कि जो आज के नए सरपंच हैं, जे इनके टाइम पे एक सरपंच साहब के टाइम पे काम अप्रूव किया था, उस DPR अप्रूव किया था, उसमें दखल अंदाजी करी जा रही है। उसका वीडियो दिखाया था इन्होंने मुझे आज, वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि नए सरपंच साहब गलत कर रहे हैं, अपने गांव के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं ये बार बार अपील कर रहा हूँ कि अपने आप के लिए प्रॉफिट के लिए सोचने के लिए नहीं करना है, गांव का प्रॉफिट देखो कि कहाँ प्रॉफिट है। धन्यवाद।